नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मधुबन कॉलोनी क्षेत्र पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार यानी कि गहलोत सरकार चिकित्सा विभाग और चिकित्सा सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाने को लेकर जो है वो बड़ी संवेदनशील होती नजर आ रही है, जिसके तहत आज बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर जो है वो दो जनता क्लिनिक जनता को समर्पित किए जा चुके हैं, जिसको लेकर के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, सभापति जयंत द्विवेदी और अन्य प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों ने जो है वो इन दोनों जनता क्लिनिकों को जनता को समर्पित किया। इस वक्त हमारे साथ तैयब मोटर्स फाउंडेशन के सबसे बड़े मैन जो हैं उत्तराधिकारी वो भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए डॉक्टर मुनव्वर हुसैन जो है लगातार एक नए आयाम स्थापित करते हुए जा रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज 20 इंडिया चलेंगे। धन्यवाद सुरेश जी। सर, लगातार आपकी तरफ से एक बड़ी पहल की जा रही है कि किस तरीके से जनता क्लिनिक जो है वो समर्पित किए जा रहे हैं, आज एक बड़ा क्लिनिक जो है वो जनता को समर्पित। जी हाँ, पूरी राज्य सरकार की मंशा थी कि राज्य में सभी जगह पे जनता क्लिनिक खोले जाए। इसी के अनुरूप हमारा तैयब हीरो परिवार है वो लगातार सामाजिक कार्य से सरोकार है। तब हम सभी पार्टी से मिलकर विचार किया कि तैयब हीरो की तरफ से हम एक राजकीय जनता क्लिनिक को खोल देते हैं। हमने गवर्नमेंट को अपनी मंशा भेजी और उसी अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ये लगभग 2000 स्क्वायर फीट का भवन है, ये हमने भामाशाह बनकर राज्य सरकार को अर्पित किया है। इसके अंदर हर महीने गवर्नमेंट सारी सरकारी दवाइयाँ निःशुल्क दे रही है और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 100 लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना काल में भी आपकी अहम बड़ी भूमिका रही है, कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर के अवेयरनेस को लेकर के जिस तरीके से आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, सर ये आगे लगातार कारवा बढ़ता जा रहा है तो किस तरीके से बढ़ता है? नहीं, ये कारवा और भी आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि हमारी एक ही मंशा है कि बांसवाड़ा और खास करके बागड़ के लोगों को सभी तरह की सुविधाएँ निःशुल्क यहाँ मिलती रहे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया था कि गवर्नमेंट को लिख के दिया था कि स्टाफ हमें दें और बाकी संसाधन देव हीरो परिवार जुड़ जाएगा। हम चारों पार्टनर से मिलके आपसी रजामंदी से तय किया कि हम बांसवाड़ा को एक मेडिकल के अंदर एक अभूतपूर्व सेवाएँ हम देंगे। इसी के अनुरूप ये सुबह 8 से 12 बजे तक चिकित्सालय चलता है और बहुत जल्दी हमने गवर्नमेंट से परमिशन लिए यहाँ एक लेबोरेटरी खोलने की निःशुल्क, तो सुबह सुबह लेबोरेटरी खून सभी की जाँचें फ्री। डॉक्टर साहब, किस तरीके से यहाँ पर दवाइयाँ हैं, किस तरीके से दवाइयों को जनता को जो है वो मिलना चाहिए? यहाँ पर सभी तरह की लगभग 304 प्रकार की दवाइयाँ हमने प्रशासन की ओर से मिली है, जिसमें खास करके एनसीडी का मतलब आप समझते हैं जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, और सबसे ज़्यादा एनसीडी केसेस बांसवाड़ा में मेरे पास है क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से बांसवाड़ा की जनता की सेवा कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ हार्ट, बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, पेट, अल्सर सभी तरह की दवाइयाँ, यहाँ दवाइयों की किसी तरह की कमी नहीं है और सरकारी मंशा के अनुसार सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सर, जिस तरीके से मौसम लगातार जो है वो एक जनता क्लिनिक जनता को समर्पित करना तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है तैयब मोटर्स परिवार की ओर से, तैयब फाउंडेशन की ओर से जी। तो किस तरीके का आप आगे का विजन रख रहे हैं? नहीं, हमारा आगे का विजन ये है कि अगले 10 साल के लिए हमने ये स्वीकृति मांगी है, तो हमारी ये वर्षक प्रयत्न रहेगा कि बांसवाड़ा में चिकित्सा सेवा के नाम पे तैयब मोटर्स परिवार एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये भी देखा जा रहा है कि सरकार भी संवेदनशील है, साथ ही साथ आप भी संवेदनशील होते नजर आते हैं, तो किस तरीके की सोच लेकर के चल रहे हैं ताकि ये आपका कारवा लगातार जो है वो बढ़ता है? नहीं, हमारा कारवा लगातार आगे बढ़ता रहेगा। पिछले 40 वर्षों से बांसवाड़ा में जो इंडस्ट्री रही है टू व्हीलर में साइकिल, मोपेड और मोटरसाइकिल आ गई है, उसमें तेज परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लगभग 70% का मार्केट शेयर हमारा तेज परिवार का है। तो आने वाले दिनों में मेरे जो तीनों बच्चे मेरे उत्तराधिकारी है वो मेरे पास यही सेवाएं बांसवाड़ा की और खास करके वागड़ की जनता को मिलती रहेगी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हमने देखा कि मंत्री महोदय के द्वारा जो है वो लगातार आज यहाँ पर बड़ा शुभारंभ किया गया है जी, तो ये किस तरीके से यहाँ के मरीजों को किस तरीके से सुविधाएं मिलेगी, अधिक से अधिक लोग जो है वो इस जनता क्लिनिक का लाभ है? सुबह 8 बजे से ये सुविधा शुरू है और एक खास बात मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ,
कि हमारे परिवार में एक और सेवा इसमें आगे बढ़ाई है कि जो भी यहाँ पर आए उन्हें सुबह का नाश्ता खाना भरपूर मिले। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन के जो पुत्र हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद सर। किस तरीके की सोच है, क्योंकि लगातार कारोबार आपका बढ़ता जा रहा है, यंग है आप, तो आने वाले समय में बांसवाड़ा की शहर की जनता के लिए और खास करके यंग जनरेशन के लिए किस प्रकार की सोच है? सर, ये जो हमारे अंदर आया है, ये हमारे बुजुर्गों की वजह से आया है कि जहाँ पे आप कमा रहे हैं, जिन लोगों से आप कमा रहे हैं, जो आपके घर आ गए, उनसे जो आपको मिला है वो आपको वापस उन्हें देना चाहिए। ये सोच हमारे बुजुर्गों ने हमें दी। डॉक्टर साहब इस सोच के ऊपर काफ़ी आगे तक चले और हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ तक ले के आए कि तुम्हें भी आगे ये करना है। और जैसे आपको उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे करेंगे तो जी उनका हम पे दुआ रहेगी, तो ज़रूर ये काम आगे तक वागड़ के लोगों तक पूरी तरीके से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मेरा यंग जनरेशन से, युवाओं से ये कहना है कि आप जो भी कर सकें अपनी मिट्टी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बांसवाड़ा के लिए, अपने वागड़ के लिए आपको करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा करो, ज़रूरी नहीं कि दिखाने के लिए करो, लेकिन छोटे छोटे काम करेंगे तो भी बहुत आगे अपना बांसवाड़ा का नाम हो जाएगा, अपने वागड़ का नाम हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी और अंतिम सवाल आपसे करूँगा कि जिस तरीके से आप लगातार बड़े लेवल पे भी सम्मानित हुए हैं, कोरोना काल में आपने कई सारी स्थितियों को संभाला भी है, डेवलप भी किया है, कई सारी चीज़ें हैं, लगातार आप एक तो सामाजिक सरोकार के पायदान पे चढ़ते जा रहे हैं, श्रेय ये किसको जाता है और आप किसमें? सर, ये श्रेय मेरे घर पे मेरे तीन बुजुर्ग थे, मेरे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कहता हूँ उसी भाई साइकिल वाले, फिर मेरे पिताजी भी साइकिल वाले और मेरे बड़े भाई छोटे भाई साइकिल वाले। हमारा एक संयुक्त परिवार रहा है, 1966 से हम लोग साइकिल इंडस्ट्री में थे और आज भी हमारा संयुक्त परिवार है और शायद बारहवा में इन्हें गिने संयुक्त परिवार है, उसमें से हमारा परिवार है। तो ये जो जैसे मेरे बच्चों ने कहा, देने की परंपरा हमेशा चलती रहेगी और मैं सारा श्रेय अपने बुजुर्गों को देना चाहता हूँ मैं। और ये आने वाली पीढ़ी है मुस्तन और ये है मुफदल, ये सभी लोग आने वाली चीज़ों को बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में भी ये तैयब हीरो का बार बार के बागड़ के प्रति जो सामाजिक सरोकार का रवैया है, ये कभी बदलेगा नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार डॉक्टर मुनव्वर हुसैन जो है वो सामाजिक सरोकार से तो जुड़े हुए हैं, वो एक साथ ही एक बड़े व्यवसायी भी हैं, बड़े कारोबारी भी हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा अगर झुकाव है तो यही जनता के प्रति है कि जनता की हर एक समस्या को बड़ी गंभीरता के साथ सुन करके उनकी समस्या का जो है वो निदान किया जाए। इसी को लेकर के चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो डॉक्टर मुनव्वर हुसैन लगातार अपने जो काम है वो लगातार करते जा रहे हैं। इसी की एक बड़ी देन है कि आज बांसवाड़ा का जो है वो एक जनता क्लिनिक जनता के लिए समर्पित हुआ है। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, News20 India बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं चिकित्सा सेवाएं को लेकर के और जगह जगह जो है वो जनता क्लिनिक समर्पित कर रहे हैं, जनता को लेकर के लगातार आप भी दौरा कर रहे हैं, तो सर किस प्रकार से जन कल्याणकारी लोगों तक पहुंच रही है? और आज बांसवाड़ा में आज आपने दो जनता क्लिनिकों का उद्घाटन किया, किस प्रकार की सुविधा है और कैसे उनको मजबूत किया जाए? भैया इधर आ जाओ। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और जन कल्याणकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें जनता क्लिनिक भी है, फ्री मेडिसिन भी है, चिरंजीवी योजना है और चिरंजीवी योजना में एक परिवार के 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी उसके साथ में जोड़ा गया। ये प्रदेश के मुखिया की सोच और जनता के प्रति उनकी भावनाएं दर्शाती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति कितने संवेदनशील है। अभी अभी हम बांसवाड़ा में एक पहले बाहुबली कॉलोनी में भी जनता क्लिनिक का शुभारंभ करके आए। जहां तक जनता क्लिनिक की बात है, अभी आपके सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने ये शुरू होते ही 600 लोगों का स्क्रीनिंग कर ली है, उनको देखा है
तो ये एक सरकार की योजनाओं का पार्ट है और सरकार की मंशा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर के अंदर पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा मेडिकल टावर बनाया और उस टावर में आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास की जो नई टेक्नोलॉजी के सारे इक्विपमेंट है वो वहाँ उपलब्ध हो। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्थान की जनता के प्रति है और आगे भी रहेगी। हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वो चिंतित हैं।